ओम शांति। आप सबको स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल सी द सो द ट्रुथ लाइज़ विद इन में। और आज हम चर्चा करेंगे 5 मई की श्रीवेदानंद की, जो कि इंडोर्स कर रहे हैं हम ये रिकॉर्डिंग, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है और बहुत फॉगी है, तो आपको नज़ारे तो दिखेंगे नहीं, आपको शायद से मेरा चेहरा भी ना दिखे। तो परमात्मा पिता कहते कि हैं आज के वरदान में, इसको हम देखें। परमिता परमात्मा चाहते हैं कि हम जो भी व्यर्थ संकल्प हैं उनको हटाएं बिजी रह करके। अब बिजी क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है? बिजी तो सारी दुनिया ही अपने काम में, कोई कमाने में बिजी है, कोई कपड़े खरीदने में बेचने में बिजी है, कोई लगाने में बिजी है, कोई खाने में बिजी है, कोई सोने में बिजी है। तो देखिए परमात्मा किस प्रकार की बिजी की बात करते हैं। परमपिता परमात्मा कहते हैं बुद्धि को बिजी रखने के लिए की विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त करने वाले। बुद्धि को बिजी रखा तो आपके व्यर्थ के जो संकल्प हैं वो आपके समाप्त हो जाएंगे। करने वाले आप सदा समर्थ भव, आप केपेबल हो जाओगे, आप समर्थ ही बन जाओगे अपने ही जीवन को आगे ले जाने में। तो आप किस प्रकार की एनर्जी से कोई काम करना चाहते हो वो भी डिसाइड करेगा कि वो काम कैसा होगा। तो परमात्मा कहते हैं विस्तार में, सदा समर्थ अर्थात शक्तिशाली वही बनता है जो बुद्धि को बिजी रखने की विधि को अपनाता है। व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनने का सहज साधन ही है सदा बिजी रहना। तो बिजी किस में रहना, या तो आप बिजी रह सकते हो इधर उधर की बातें करने में, औरों के अंदर फॉल्ट्स कमियां कमजोरी ढूंढने में, औरों के बारे में औरों को नेगेटिव फैलाने में, वो चीज़ में बिजी रह सकते हो, या अपनी ही कमी कमजोरी को बार बार अपने साथ ही बात करने में भी बिजी रह सकते हो कि मेरे अंदर ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, या औरों के साथ में तुलना करने में आप बिजी रह सकते हो, जो कि भौतिक जगत की चीज़ों के बारे में, धन के बारे में, संपत्ति के बारे में आप पूरा दिन वेस्ट कर सकते हो। जिस कारण से परमात्मा कहते हैं कि आपकी मन और बुद्धि जो है वो व्यर्थ में जाती है और उसके अंदर किचड़ा मतलब कचड़ा जमा हो जाता है। तो परमात्मा कहते हैं बिजी किस में रहना है फिर, तो बिजी रहने की विधि क्या है? परमात्मा कहते हैं सदा बिजी रहना इसलिए रोज सवेरे जैसे स्थूल दिनचर्या बनाते हो। काफ़ी सारे जो बिजनेसमैन होते हैं बोलते हैं कि आज मेरे को ये खरीदना है, ये बेचना है मुझे, आज मुझे इतना कमाना है, आज ये सामान यहाँ से लेके आना है, आज ये करना है, आज ये हो रहा है। तो परमात्मा कहते हैं जैसे कि एक घर वाले भी जो होते हैं वो करते हैं, आज बच्चों को मैं ब्रेकफास्ट में ये बना के दूंगी, आज स्कूल में ये दूंगी उसको जाके, उसके बाद में आज मुझे घर का ये काम करना है, घर में ये चीज़ करनी है। तो परमात्मा कहते हैं जैसे आप इन चीज़ों के बारे में सोचते हो वैसे ही आप अपने मन और बुद्धि के लिए समय निकालो, जो कि सबसे ज़रूरी है, सबसे डायमंड जैसा अनमोल हीरा है आपके पास में। शरीर छूट जाएगा, शरीर की बातें छूट जाएंगी, घर बार छूट जाएगा जब ये शरीर छूटेगा, लेकिन मन बुद्धि जो है उसको अगर उस पर अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी तो वो इन्वेस्टमेंट आपके साथ में बहुत लंबी जाएगी, सिर्फ इस जन्म नहीं अगले जन्म तक। तो वो इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, इसलिए परमात्मा समझते हैं ऐसे अपनी बुद्धि को बिजी रखने का टाइम टेबल बनाओ। हम जैसे कि ट्रैफिक कंट्रोल है ब्रह्मा कुमारी, इसमें हर एक घंटे हर एक 2 घंटे के बाद में एक गीत बजता है जिसमें कि हम सारे काम छोड़ करके अपने आप को बिल्कुल एकाग्र कर लेते हैं और चेक करते हैं हम कि बाहर का काम तो कर रहे हैं, शरीर से हम काम करवा रहे हैं, चाहे सामान रखना हो, धोना हो, खाना बनाना हो, ऑफिस का काम करना हो, बिजनेस काम करना हो, जो भी हम कर रहे हैं, या गाड़ी चला रहे हैं, तो हमने वो तो फिजिकल काम तो हमने कर लिया, उसके हमें संस्कार बन चुके हैं सारी चीज़ करने के, दोहरा रहे हैं बार बार, लेकिन क्या हमारे मन बुद्धि में पवित्र संकल्प चल रहे हैं जो कि हमारी एनर्जी को ड्रेन ना कर रहे हों? क्या हमारे मन बुद्धि में कोई ईर्ष्या के संकल्प, किसी की तुलना के संकल्प, कुछ अपवित्र संकल्प तो नहीं चल रहे हैं, व्यर्थ के संकल्प तो नहीं चल रहे हैं? क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, किसने किया, ये चीज़ें ड्रेन आउट कर रही हैं। हम भल काम कर रहे हैं लेकिन रात हो जाके थक जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ये सारे व्यर्थ संकल्प चल रहे थे, इम्प्योरिटी चल रही थी। तो परमात्मा इसलिए कहते हैं कि आप बीच बीच में चेक करो, एक टाइम टेबल बनाओ कि हाँ चलो ठीक है 12 बज गए अभी, तो 12 बजे मैंने सुबह सुबह 4 बजे में अगर उठा या 8 बजे उठा, जो भी आप समय पे उठते हैं, मैंने दिन भर में मैंने क्या क्या किया वो तो ठीक है, लेकिन क्या क्या सोचा, और वो जो सोच है वो मेरे मन के अंदर जम गई है, काई जैसे मैल जैसे जम गई है, उसको मुझे हटाना है। जैसे हम हर दिन नहाते हैं शरीर को साफ करने के लिए, वैसे ही वो तो एक दिन में एक बार करते हैं, लेकिन ये तो हर सेकंड संकल्प चल रहे हैं ना, तो हर सेकंड तो नहीं आप कर सकते, लेकिन हर मिनट भी नहीं, चलो ठीक है अगर आप कर पाए हर आधे घंटे बाद, हर एक घंटे बाद, हर 2 घंटे बाद चेक करें कि इस समय मेरा स्टेट ऑफ माइंड क्या है, मेरे किस प्रकार के थॉट्स मेरे मन में चल रहे हैं। अगर इम्प्योर चल रहे हैं तो फटाफट आप मेडिटेशन करके परमात्मा से जुड़ करके परमात्मा को कह सकते हैं, परमात्मा ये गंदे संकल्प चल रहे हैं ये लीजिए, अब मैं इसके जगह पर ये संकल्प लूंगा। तो परमात्मा भी आपको शक्ति देते हैं वो करने के लिए, वो शक्ति मिलती कैसे, इसके लिए आपको राजयोग मेडिटेशन ब्रह्मा कुमारी से सीखनी पड़ेगी। फिर परमात्मा कहते हैं बिजी रखने का टाइम टेबल बनाओ कि इस समय बुद्धि में इस व्यर्थ संकल्प से व्यर्थ को
इस समर संकल्प से व्यर्थ को खत्म करेंगे कि मैं इस प्रकार के थॉट करूंगा कि मैं भगवान का बच्चा हूं, फॉर एग्जाम्पल भगवान का बच्चा, मेरे अंदर ये किसी के प्रति ईर्ष्या ही नहीं सकती है। हर एक का पार्ट अपना अपना है, हर आत्मा अपना अपना ड्रामा में पार्ट लेके आई है। मैं किसी की तुलना किसी से कर नहीं सकता, ना अपनी तुलना किसी से करूँ, ना बच्चों की तुलना किसी से करूँ, ना अपने बिजनेस की तुलना किसी से करूँ, बाजू वाले से करूँ, तो जाकर क्या होगा, आपका मन हल्का रहेगा और आप जीवन भर हल्के होकर के कर्म करेंगे। फिर पैमल कहते हैं को खत्म करेंगे, बिजी रहेंगे तो माया दूर से ही वापस चल जाएगी। अगर बिजी नहीं रहेंगे तो क्या होगा, बिजी का मतलब ये नहीं कि आप किसी फिजिकल कार्य में बिजी रहें, बिजी रहने का मतलब यह है कि आप अपने मन बुद्धि को सही दिशा में ले जाने के लिए बिजी रहें। अगर एक गाड़ी वाला अगर रास्ता भूल जाए तो वो गलत रास्ते पे जाएगा, लेकिन अगर वो घड़ी घड़ी GPS चेक करे अपना कि हाँ बिजी रह जाए कि मैं GPS ठीक है कि नहीं, मेरा सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, तो वो बहुत लंबे समय तक सही रास्ते पे चलेगा, नहीं तो बहुत लंबे समय तक गलत रास्ते पे चला जाएगा। इसलिए हमें भी क्या करना है, अपने मन बुद्धि का GPS चेक करना है कि ये किस दिशा में जा रहा है, नेगेटिव कि पॉजिटिव, इम्प्योर कि प्योर। वो करना कैसे उसकी विधि आप सीखते हैं ब्रह्मा कुमारी इसमें आकर के। और इसी के साथ में आपका दिन शुभ हो, ओम शांति।